बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर फरार हो गई हैं और इंडिया में पनाह ले ली है। साथ साथ आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे जिसमें शेख हसीना वाजिद अब हेलीकॉप्टर में बैठकर मुल्क से फरार हो रही हैं। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि मुजाहरीन ने किस तरह से वज़ीर आज़म के महल को आग लगा दिया है और तमाम चीज़ों को तोड़ फोड़ कर दिया है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि मुजाहरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी तोड़ दिया है जो वज़ीर आज़म हाउस में नस्ब था। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। फ्रेंड्स, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर पर बैठकर अपने मुल्क से फरार हो गई हैं और इंडिया में चंद दिन अपनी बहन के साथ काम करने के बाद वो लंदन में पनाह लेने वाली हैं। फ्रेंड्स, शेख हसीना वाजिद ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और अब वो वज़ीर आज़म नहीं रही हैं, जिसके बाद बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत कायम कर दी गई है। सीना वाजिद अपनी जान बचाने के लिए वज़ीर आज़म हाउस से भागी थी, जिसके बाद मुजाहरीन ने वज़ीर आज़म हाउस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी तोड़ दिया है। इसके अलावा आपको बताएं कि बांग्लादेश के सदर ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म दिया है और जिसके बाद अब बांग्लादेश में दोबारा से इलेक्शन होंगे और उसके बाद खालदा ज़िया को एक दफ़ा फिर से वज़ीर आज़म चुना जाएगा। दोस्तों, इस वक्त बांग्लादेश में फ़ौज की हुकूमत है और बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत है और बहुत जल्द इलेक्शन करवाए जाएंगे। बांग्लादेश में मज़ीद क्या होने जा रहा है और हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें।